एवरीवन, सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं न्यू के एयरफोन हैं, नेक बैंड ब्लूटूथ वाले, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं। एक्चुअली जो पहले जो मैंने ऑर्डर किए थे वो बोल्ट के ब्लूटूथ वाले एयरफोन्स ऑर्डर किए थे, वो भी नेक बैंड ही थे। लेकिन उसमें क्या था कि बेस जो था उनका बॉस बहुत ज़्यादा था बोल्ट वाले का, सो इतना बेस जो है वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने वो जो बोल्ट के जो एयरफोन थे वो मैंने रिटर्न कर दिए थे। और रिटर्न होने के करीब एक महीने बाद रिफ़ंड वापस आया अमेजोन पे पे। एक्चुअली रिफ़ंड जो है वो काफ़ी पहले आ सकता था, लेकिन क्या हुआ जो अमाउंट जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से चेक के थ्रू आ रहा था, लेकिन मैंने जो है वो चेक कैंसिल करवा दिया था, तो उस प्रोसेस को कैंसिल होने में ज़्यादा दिन लग गए। तो अभी एक महीने के बाद अभी रिफ़ंड हुआ है, तो मैंने उस प्राइस में ही बोट के जो न्यू एयरफोन हैं बोट रॉकर 205 प्रो वाले ये ऑर्डर किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इनका बेस जो है वो इतना नहीं है, क्योंकि मुझे लो बेस वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो पहले जो बोल्ट के मैंने मंगवाए थे वो उसमें बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने वो वापस कर दिया। लेकिन उसके फंक्शन जो थे बोल्ट के वो काफ़ी अच्छे थे, इससे काफ़ी अच्छे थे बोल्ट के फंक्शंस। लाइक कॉल पिकअप हम कर सकते थे, और जो लास्ट नंबर जो थे वो भी हम डबल क्लिक में लास्ट नंबर जो है वो भी डायल कर सकते थे। अगर तुम्हें बेस अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बेसक बोल्ट एफेक्ट चार्जर जो है नेक बैंड उस पर वो आप ले सकते, वो काफ़ी अच्छे हैं, फंक्शन भी काफ़ी अच्छे। लेकिन मुझे जो है बेस कम चाहिए था, इसलिए मैंने बोट के ऑर्डर किए हैं जो कि रॉकर 205 प्रो हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसका जो बैटरी जो बैकअप है वो काफ़ी अच्छा चलता है। सो इसी के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो ये है बोट के एयरफोन नेक बैंड, जो कि बेसिकली इसमें कलर जो है वो डिफरेंट आता है, बिल्कुल मैच एक कलर के नहीं आते हैं, ब्लैक एंड ये येलो एंड ब्लैक हैं। सो इसमें ऐसे ही आते हैं येलो ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक, सो मैंने येलो एंड ब्लैक वाले ऑर्डर किए। बेसिकली इसका साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, और बेस नहीं है, जिसको बेस नहीं पसंद तो बेसक वो इनको ले सकता है, और मैग्नेटिक जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया इसमें। सो और कान की फिटिंग जो है वो इतनी सही नहीं है, जो कि बोल्ट के एफेक्ट चार्जर की जो फिटिंग थी वो काफ़ी अच्छी फिटिंग थी, लेकिन इसकी फिटिंग जो है वो इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। सो और वॉइस क्वालिटी वगैरह वो काफ़ी अच्छी है। सो इसमें क्या क्या है, आपको एयरफोन नेक बैंड मिलेगा, और उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा जो है वो ईयरबड आपको देखने को मिलेगी, जो कि चार आपको ईयरबड टू पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, और एक मिलेगी यूएसबी केबल जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। सी टाइप केबल आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है। सो यही था इसमें बस। सो काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको बेस नहीं पसंद तो बेशक आप इनको ले सकते हैं, और आपको 1 ईयर की वारंटी भी आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें इतने वो फंक्शन नहीं है जितने कि बोल्ट एफेक्ट चार्जर में थे। इसमें आपको एक बीस्ट मोड आपको देखने को मिल जाएगा, और ब्लूटूथ 2.2 वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और डुअल पेयरिंग जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। डुअल पेयरिंग मतलब एक साथ आप दो फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, और लाइट वेल है काफ़ी, और IPX5 की आपको रेटिंग मिलेगी, मतलब कि स्वेट और पानी वाटरप्रूफ आपको देखने को मिलेंगे। इतने वाटरप्रूफ नहीं होते लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, और क्विक स्विच बीट्स मोड आपको देखने को मिलेगा इसमें, और मैग्नेटिक ईयरबड्स जो कि नॉर्मली होती हैं नेक बैंड में सब में, और इसमें लिख रखा है कि 10 मिनट में आपको 12 आवर्स तक प्लेबैक आपको देखने को मिलेगा। सो ये थे बोट रॉकर के 205 प्रो एयरफोन्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।